उत्तर प्रदेश में चंद रुपयों के लालच में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर शैतान बन गए हैं। अपनी डिग्रियां किराए पर दे रहे हैं और इनकी डिग्री के नाम पर अलग अल्अलग नामों से पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं। वहीं अपनी डिग्री के बदले में डॉक्टर 1,00,000 रुपए महीना तक ले रहे हैं और यह पूरा खेल स्वास्थ्य विभाग की साठगांठ से ही खेला जाता है। इन जांच केंद्रों पर इन डॉक्टरों का नाम लिखा रहता है, मरीज इन डॉक्टरों का नाम देखकर इन्हीं से अपना इलाज कराने जाता है, मगर जब वहां पहुंचता है इलाज के लिए तो पता चलता है डॉक्टर वहां मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर के बारे में पूछा जाता है तो डॉक्टर साहब बाहर होते हैं। ऐसे में इन जांच केंद्रों को झोला छाप चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक डॉक्टर की डिग्री पर 3-3 डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें कि उन्नाव के सफीपुर में मौजूद सरकारी अस्पताल के सामने एंजल अल्ट्रासाउंड सेंटर मौजूद है। आपको हमारे स्क्रीन पर ये एंजल अल्ट्रासाउंड सेंटर दिख रहा होगा। इसमें जिस डॉक्टर की डिग्री लगी है वो मौजूद ही नहीं होता वहाँ, बल्कि उसके डिग्री पर जो व्यक्ति मरीजों का इलाज कर रहा है वो झोला छाप है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस डॉक्टर की डिग्री पर यह सब कुछ हो रहा है वो खुद दिल्ली में मोटी कमाई कमा रहा है। आप हमारे स्क्रीन पर इस अल्ट्रासाउंड सेंटर की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। इस रिपोर्ट पर डॉक्टर A.N. धीर का हस्ताक्षर दिख रहा होगा आपको। अब इसमें सबसे मजे की बात यह है कि यह साहब उन्नाव में मौजूद ही नहीं है, यह तो दिल्ली में मोती कमाई कमा रहे हैं। और अब सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब जब दिल्ली में हैं तो इन जांच केंद्रों पर मरीजों का जांच और उनके रिपोर्ट पर डॉक्टर साहब की जगह कौन हस्ताक्षर कर रहा है और वो खुद कितना प्रशिक्षित है, इसकी जांच न ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों द्वारा की गई और न ही प्रशासन के द्वारा। हालांकि ये डॉक्टर साहब MD हैं, वो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं। भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर जब शैतान बन जाएंगे तो जनता का इलाज कौन करेगा? और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले पर प्रशासन मौन क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जांच केंद्रों का रजिस्ट्रेशन DM ऑफिस से ही होता है। तो फिर उन्नाव की DM साहिबा अपूर्वा दुबे ऐसे एक ही डॉक्टर की डिग्री पर इतने जांच केंद्र खुलने दे रही हैं? या तो उनका AN धीर से कोई बड़ा मामला है या तो वो इन सब मामलों पर नजर नहीं डाल रही। खैर जो भी हो, DM to DM, चलो DM साहिबा कई मामलों में व्यस्त होती होंगी, लेकिन CMO साहब का क्या कहना? CMO साहब जिनके अंडर में ही ये पूरा का पूरा खेला हो रहा है, CMO साहब तो और महान है क्योंकि ये पूरा गोरख धंधा उनके कार्यकाल में उनके नजरों के नीचे हो रहा है और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में झोला छाप डॉक्टर पल फूल रहे हैं और जो असली डॉक्टर है वो दिल्ली में मोटी कमाई कमाता है, मरीजों के जीवन के साथ उन्नाव में खिलवाड़ होता है दिल्ली वाले डॉक्टर के नाम पर। और जिले में इसकी वजह से ऐसी कई मौतें भी हो चुकी हैं, ऐसे कई मामले भी सामने आए, मगर विभाग के माध्यम से आज तक एक भी कार्रवाई नहीं। अब ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या CMO साहब को नहीं होगी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके खिलाफ बीच बीच में कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है या कह ले कि जनता को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है यह तो वही जाने, AN धीन पर ये लोग इतने ज्यादा मेहरबान क्यों हैं ये तो यही जाने, मगर एक बात तो साफ है, इन जांच केंद्रों द्वारा AN धीर और इन तमाम ऐसे डॉक्टरों द्वारा ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासन में सबकी जेब गर्म की जाती है। तभी तो ये खुलेआम योगी सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अधिकारी इनका साथ दे रहे हैं। ऐसे में अब आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और उस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि वीडियो सीधे योगी सरकार तक पहुंचे और AN धीर जैसे ऐसे डॉक्टरों की असली सच्चाई, प्रशासन शासन की जो ढीलाई वाली रवैया है उसकी सच्चाई योगी सरकार तक पहुँचे और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ये न्यूज़ टुडे से विश्व तिवारी की रिपोर्ट।